हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में मैंने कुछ कमेंट्स के जो है रिप्लाई करने थे, जो मैंने देखा कि मुझे थोड़े से मैं कुछ नहीं बोलती, आप खुद ही देख लेना अभी, एंड लास्ट तक ज़रूर देखना बिकॉज आज की वीडियो थोड़ी सी फनी होने वाली है, तो कुछ मिस मत करना। ओके, तो सबसे पहले ये व्हाट काइंड ऑफ मूवी टू सी, अगर इसका मीनिंग किसी को समझ आया तो मुझे भी बता देना, क्योंकि आई गेस मेरी इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा वीक है। हाय, यू प्ले विद मी PKXT, प्लीज प्ले विद मी, गिव मी योर नेम एंड नंबर। अगर मेरा नेम और नंबर ही नहीं पता तो हाउ कैन यू से कम एंड प्ले विद मी। Are you a BDS army or a blank? Where is the option of nobody? Like seriously, I like both of them, but मैं ऐसे कुछ नहीं हूँ कि army या फिर blank. And I wanna say something here. This is not South Korea, it is PKXT. What is 1+1? Yes, it's 11. ये आपने यहाँ तो लिख दिया, कृपा करके इसको अपने क्वेश्चन पेपर पे मत लिख के आ जाना, नहीं तो टीचर ने 10 नंबर सीधा यहीं काटने हैं। और आप में से कुछ लोग कहते हैं ना कि आर्शिदी प्लीज़ हमें अपने प्राइवेट वर्ल्ड में बुला लीजिए, उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, प्राइवेट वर्ल्ड इसलिए नहीं होती कि हम किसी को भी बुला लेंगे, उनके साथ चिल कर लेंगे। लाइक देखो, अभी मैं ऑफलाइन हूँ, स्टिल अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मुझे फिर कुछ लोग मिल जाएंगे जो मेरे सामने कैमरा खोल के खड़े होंगे, या फिर लाइक होते हैं ना ऐसे लोग, ये देखो यहाँ पे खड़े हैं इतने सारे लोग, एंड हेयर टेक अ सेल्फी। नहीं लेनी मुझे सेल्फी, तुम्हारे साथ नहीं लेनी है, इन लोगों को मुझसे कोई मतलब नहीं, हाय हेलो नहीं करेंगे आगे। जैसे ही मैं सर्वर में आऊँगी मेरे सामने 4-5 लोग खड़े हो जाएंगे एंड सेल्फी लें। सो प्राइवेट वर्ल्ड होती है कि हम अपनी वीडियोस को, अपने कंटेंट को रिकॉर्ड कर सकें इन अ बेटर वे, इसलिए नहीं होती कि हम किसी को वहाँ ला कर उनके साथ खेलें। तो प्लीज़ इस बात का थोड़ा सा समझिए, और प्राइवेट वर्ल्ड बिल्कुल पब्लिक वर्ल्ड जैसे ही होती है, इसलिए स्पेशली मैंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक सीरियसली, मैं जब ऑनलाइन आती हूँ मेरे सामने 4-5 लोग अपना पेट लेके आते हैं जिसका नेम होता है प्राइवेट वर्ल्ड, एंड लाइक नो थैंक यू। लोग जो सीरियसली 2 सेकेंड के लिए सेल्फी लेके उसके बाद फरार हो जाते हैं और अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं कि देखो मैं Arshi30 से मिला या मिली, प्लीज़ उनका बिलीव मत कीजिए। लाइक सीरियसली, मैं 2 सेकेंड के लिए भी वहाँ नहीं खड़ी होती और ये जल्दी से मुझे कैप्चर कर लेते हैं और मैं वहाँ से भाग जाती हूँ, और फिर मेरे पीछे पीछे चेस करते करते आते हैं कि हमें किसी तरीके से फ़ोटो मिल जाए। फाइनली अब मैंने अपने आप को ऑनलाइन अपीयर किया हुआ है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है और मैं पूजा को लेकर यहाँ से भाग रही हूँ। ओके, सो आज मुझे वो डे ज़्यादा गए जब मैं क्रिएटर नहीं थी और प्राइवेट वर्ल्ड नहीं बना पाती थी, एंड देयर वाज अ ह्यूज क्राउड अराउंड मी, बट स्टिल मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती थी तो मैं सबको हैंडल करती थी। लाइक यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रायल कर रही हूँ, मैंने सबको बोला कि वो नीचे ही स्टे करेंगे और मैं यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ, और मुझे पता है यहाँ पे कोई नहीं आएगा, बहुत प्यारे लोग हैं मेरे आसपास, सारे चुपचाप नीचे खड़े हुए हैं, बहुत ही प्यारे हैं सच में। एंड मेरा गिटार कहाँ गया, गिरा, कोई भी नहीं आएगा, मैंने बोला था कोई भी नहीं आएगा, ये देखो फिर से मुझे नहीं लेनी सेल्फी भाई। ओके,
ओके सो बहुत कोशिश के बाद यहाँ मैं लोगों को हैंडल नहीं कर पाई और मुझे समझ आ गया कि मेरे लिए प्राइवेट वर्ल्ड कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको दिख तो रही हूँ ना, ये देखो मैं ये रही बीच में। जो भी हो मुझे आप लोगों के साथ खेलना सीरियसली बहुत पसंद है, एंड स्पेशली उनके साथ जो मेरे सामने आके रोने का इमोजी स्पैम नहीं करते। मुझे बहुत मज़ा आया, बट सीरियसली अब बहुत ज़्यादा लोग हो गए आसपास, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग रखो प्लीज़ यार, अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। बस ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, रोना स्टार्ट, मतलब हुआ क्या है यार, क्यों रो रहे हो तुम लोग?